तो सभी दोस्तों को हैप्पी दिवाली, और दिवाली के अवसर पे हम आए प्रेम मंदिर के दर्शन करने, तो दिखाएंगे आपको भी प्रेम मंदिर। अपने सामान की तो यह है प्रेम मंदिर का एंटर गेट, और चेकिंग के बाद हम प्रेम मंदिर के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों आ चुके हैं प्रेम मंदिर के अंदर, और अभी प्रेम मंदिर पर ब्लू लाइट जल रही है, ये लाइट बदलती रहती है। और इधर ये देखिए भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी है, और अभी हम पूरा प्रेम मंदिर घूमेंगे। तो यहाँ कालिया नाग के फन पर जो श्री कृष्ण भगवान नाच रहे हैं देखिए, और अब प्रेम मंदिर की लाइट ब्लू से ग्रीन हो चुकी है, देखिए अब ग्रीन कलर। उधर प्रेम मंदिर के दीवारों पर आप देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं, ये देखिए सेल्फी पॉइंट, यहाँ पर लाइटिंग लगाकर लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, और लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो फोटो भी बना रहे हैं। देखिए किस कदर लोग यहाँ सेल्फी लेने के लिए खड़े हैं। मंदिर का कलर अब लाल हो चुका है, तो मंदिर की लाइटिंग का कलर समय समय पर बदलता रहता है। तो शाम को यहाँ रथ यात्रा निकाली जाती है, ये रथ यात्रा है। तो दिवाली को प्रेम मंदिर पर काफ़ी अच्छी तरह सजाया गया है, श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। देखिए दिवाली पर प्रेम मंदिर को किस तरह सजाया गया है, इसकी लाइटिंग और डेकोरेशन से पूरी तरह सजा दिया गया है। दिवाली की सजावट है प्रेम मंदिर पर, और इसके अंदर भी मंदिर के अंदर भी दिवाली के लिए कितनी अच्छी सजावट की गई है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण राधा जी का मंदिर भी है, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं श्री कृष्ण और राधा जी। और मंदिर का जो अंदर का जो झूमर है वो फिलहाल जल नहीं रहा है, वो बंद है। और ये देखिए यहाँ पर भी फूलों से किस तरह सजाया गया पूरे मंदिर को, तो चारों तरफ दिवाली की सजावट। तो अंदर के मंदिर के हमने दर्शन कर लिए, अब बाहर आ गए हैं। ये प्रेम मंदिर की कुछ झांकियाँ हैं जो लगाई गई हैं दिवाली पर, देखिए यहाँ पर कृष्ण भगवान और इधर राधा जी बैठी हैं सियाटी में, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए यमुना जी के किनारे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी हैं, और ये देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और राधा जी का कितना शानदार है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें।